हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट कैसे चलाया जाता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा कि अपना कंप्यूटर ऑन कर लेना होगा। कंप्यूटर ऑन करने के लिए सबसे पहले अपने बोर्ड में जो वहाँ पिन लगा होगा वो स्विच को अपन को ऑन कर देना है। उसके बाद अपना तुमको ये भी दिखता होगा कि ये गोल बटन है, इसको दबा देना है। उसके बाद है ना अपना पीसी रहता है ना, पीसी जो उसके सामने ही एक बटन रहता है, उसको दबा देना है। उसके बाद इसमें लाइट हो गया, उसके बाद अपना पीसी है ना ऑन हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा, ये भी अपना चालू हो गया है पीसी। ऐसा आएगा तो इसको एंटर पे प्रेस कर देना है। अपना एंटर पे प्रेस करने के बाद ये थोड़ा टाइम लगाएगा। थोड़ा टाइम लगा रहा है दोस्त, आप अपना वीडियो स्किप ना करें नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये अपना पीसी है जो चालू हो गया। अब ये देख सकते हो कि कंप्यूटर चालू हो गया, अपने माउस में लाइट आ गया है और अपने कीबोर्ड में भी। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसको अभी जो अपना प्लांट है उसको अपन किस सॉफ्टवेयर से चलाते हैं। तो अपन देख सकते हो, तुम ये कोने में दिख रहा होगा, इसको ऑन करना है। देखो ये लिख के आ गया, यस। अब यहाँ पे अपने को, मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ, अपने तुम्हारे प्लांट में जो भी हो वो आप इसमें डाल सकते हो। तो मेरा यहाँ पे लिखा हो सीविंग लिखा है। कोई भी प्लांट सीविंग स्टार्टर का रहेगा उसमें साइड में आपको दिखा देगा लिखा हुआ, देख सकते हो ये यहाँ पे नीचे लिखा है ये। उसके बाद ये नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा जो भी हो आपका यूजर नेम वो डालने का, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसका यूजर नेम। तो नीचे भी यही सेम डाला हूँ इसलिए मैं यही डालूँगा। अब अपना अलग होगा, कोई भी सिंग सेटर का प्लांट होता है उसमें यही पासपोर्ट आता है। तो यहाँ पे भी मैं यही लिखता हूँ, ये मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ से अपने को यहाँ जाने के बाद ये लिखा है यहाँ पे जो, तो मैं लॉगिन पे प्रेस कर दिया हूँ। अब यहाँ पे अपना सिंग सेटर का खुल के आ जाएगा जो। तो अभी प्लांट चलाने के लिए तुमको जाना होगा अपना स्टार्ट पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे तुम डाल देना अपना रिसीवी कोड। तो यहाँ पे रिसीवी कोड डाल देता हूँ, तुम्हारे हिसाब से जो भी बनाया होगा वो। तो मैं यहाँ पे डाला हूँ 1 नंबर M30 का है। अब यहाँ पे नीचे ट्रक नेम यानी कि उसका नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 9632। उसके बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा ड्राइवर नेम। तो यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे डालना होगा ना ऑर्डर नेम। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता, 1 नंबर है इसमें मैं लिख देता हूँ 1 नंबर। यहाँ पे क्लिक करेंगे सब एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ साइट का नेम लिख देना है और अपना सिटी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ होगा, लिखा वहाँ 0 ही रहते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले 3 लोड किया था, 3 CM। तो यहाँ पे 3 लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे तुमको इसको कट कर देना है। इसको कट करने के बाद जितना CM अपने को लोड करना है, जैसे तुमको जितना भी भरना है यहाँ पे 5 भरना है तो 5 दबा के, तो ये 5 लिख के आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर यानी कि कितने का ऑर्डर है वो डाल देना है ऊपर, 5 CM का ऑर्डर है। अब यहाँ पे नीचे लिखेगा कल का जो भरा है वो गिन के आएगा। तो यहाँ पे तुमको 0 कर देना है यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट करने से पहले पैनल अपना ऑन करना होगा। तो चलो अपना पैनल अभी मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये है अपना पैनल, इसको यहाँ से ऑन करना होता है। यहाँ हैंडल लगा रहता है, पर अभी हैंडल हमारा टूट गया है, इसलिए हम इस प्लस से अभी इसको ऑन करेंगे। तो यहाँ से घुमा देना है, यहाँ हैंडल रहता है पर हमारा टूट गया है, इसलिए अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लाइट ऑन हो गया है और अपने डिस्प्ले में भी लाइट दिखाना चालू हो गया है। तो इसके बाद थोड़ा वेट करते हैं, अभी ये डाउनलोड हो रहा है। तो अभी इसमें भी अपना कीबोर्ड है, इसमें भी लाइट दिखा रहा है अभी, तो थोड़ी देर वेट करना। तो अपना पैनल अभी चालू हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑन होने के बाद यहाँ पे F3 को दबा लेना है, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे सब दिखा रहा है, एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, एडमिक्सर, ये सब दिखाने के बाद यहाँ पे सब जीरो होना चाहिए। उसके बाद ये प्लांट अपना है, जैसे ये ऑटो में होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैं अभी ये ऑटो में कर लिया हूँ, यहाँ पे लाइट दिखा रहा है। उसके बाद अपना गेट बंद होना चाहिए, स्क्रीन से होना चाहिए। उसके बाद ये ऑटो में हो गया। उसके बाद यहाँ से ये लिखा है स्टार्ट, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं।